रानी छोड़ो मुझे, बचाओ जाओगी मुझसे। मुझे मार के भाग रही थी और भागेगी। कौन है तू? ए देख तो कौन है? अगर मुझे छुआ तो समझो खुद उड़ गए। किसी की इज्जत के साथ अगर खेलोगे तो मुंह तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, अरे अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा? अरे छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। तुम कौन हो अब तो बता दो। रिश्ते में तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ, लेकिन गलत करने वाले को भैया आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। चाची बोलो भोला, आज तो शंकर भैया को उन लोगों को मारते हुए देखा तो मेरा मन खुश हो गया। कसम से शंकर भैया के हाथों से बहुत लोगों को मार खाते देखा, लेकिन ऐसा मारते हुए पहली बार देखा, एकदम फिल्मी स्टाइल में, जैसे सलमान खान दे धनाधन दे धनाधन फिल्म में मारता है ना, उसी तरह शंकर भैया भी दे धनाधन पीट रहे थे, क्या बताऊं। वैसे तो शंकर भैया ने उन सबके साथ ठीक किया, पर वो चाची आपने उनका नाम शंकर क्यों रखा? उनका नाम तो बजरंगी रखना चाहिए था। लग रहा है भैया आ गए। हाँ लगता है भैया आ गए, अब मैं जा रहा हूँ चाची, नहीं तो शंकर भैया हम पर गुस्सा हो जाएंगे, नहीं तो ये सोचेंगे कि बीच बाजार में हमको ये छोड़कर भाग गया। अच्छा चाचा अब मैं चलता हूँ, ज्यादा बोल दिया तो माफ कर दीजिएगा। नमस्ते चाची। क्यों रे पहुंच गया है तू? अब तक आग तो लगाई दिया होगा तूने। नहीं भैया नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो बाजार में तुम्हारी मारपीट देख के डर गए थे, इसीलिए यहाँ चाय पीने चले आए थे। अच्छा हाँ। मिलो कभी बाहर। हाँ तो मैं चाय पिलाता हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ चलो भैया। रुको मुझे कहा
हाँ तुझे ही। और है कौन यहाँ पर? मैंने सोचा कि गुड्डी को कुछ कह रही हो। क्या बात है, आज फिर तू झगड़ा करके आया? झगड़ा? कैसा झगड़ा? लो तो तू किसी मंदिर से पूजा पाठ करके आ रहा है? मंदिर से तो नहीं आ रहा हूँ माँ, लेकिन जिसे तुम मारपीट कह रही हो, मेरी नजर में वो इंसानियत का फर्ज है। इंसानियत का फर्ज तो इस पूरे शहर में सभी हैवान हैं, बस एक तू ही इंसान रह गया है ना? मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन वैसे मैं क्या करता माँ? एक लड़की की इज्जत सरेआम लूट रही थी, तो क्या मैं भी वहां खड़े होकर के तमाशा देखता रहता? नहीं नहीं, तू क्यों तमाशा देखेगा? एक समाज सुधारक को ये सब शोभा नहीं देता। आखिर समाज को सुधारने का जिम्मा जो तूने ले रखा है। अरे कभी कुछ अपने बारे में भी तो सोच, अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचा कर कि तेरा भविष्य कहाँ जा रहा है। पढ़ लिख कर रिक्शा चला रहा है तू, इसके बारे में कभी सोचा? मैं कुछ कहूंगी तो लोग कहेंगे सौतेली माँ है ना, सौतेलापन दिखा रही है। जिस रिक्शे के लिए ताना मार रही हो ना, वो भी मैं चला रहा हूं, तो उसके पीछे भी आप लोगों का ही हाथ है। क्या हो जाता अगर पापा ने एक फोन कर दिया होता तो? नौकरी लग रही थी मेरी कलेक्ट्री में, सिद्धांत का पाठ पढ़ा दिया इन्हें कि फोन मत करिए, इसलिए चला रहा हूं रिक्शा। अब ताना क्यों मार रही है? देखिए देखिए क्या कह रहा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। बात तो ये ऐसे कर रहा है जिसे मैंने ही आपसे फोन करवा कर इसकी लगी हुई नौकरी रुकवा दी हो। अरे जब तू इतना ही काबिल था तो फिर अपने काबिलियत पर नौकरी लेनी चाहिए थी ना, सिफारिश क्यों चाहिए तुझे? बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसी ने हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया हो। अरे इतना सा था जब मैं यहाँ आई, पता होता ऐसे तेवर होंगे तो नमक चटाकर मार देती। तो मार देना चाहिए था ना, अब अफसोस करने का क्या फायदा? भैया, अरे अरे जाने दो जानकी, मैं उसको समझा दूंगा। आप क्या उसे समझाओगे? भैया चलो खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। भैया तुम बेकार में ही माँ की बातों को दिल से लगा लेते हो, उनका स्वभाव तो तुम जानते ही हो, और तुम तो मुझे समझाते हो कि माँ बाबूजी की डांट फटकार का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन सब में उनका प्यार छुपा होता है। फिर तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्या तुम माँ को सौतेली माँ समझते हो? अरे पागल, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ सिर्फ माँ होती है, सौतेली नहीं, जो अपने बच्चों पर सिर्फ प्यार लौटाना जानती है। और मैं माँ से नाराज नहीं हूं, माँ मुझसे नाराज है। अब तुम ही बताओ गुड्डी, वहां बाजार में किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट रही थी, मैं वहां से मुंह फेर कर चला आता, इंसानियत नाम की कोई चीज होती कि नहीं इस दुनिया में? और यह भी संस्कार तो इन्हीं लोगों ने दिया है मुझे। क्या हुआ गुड्डी, बाबूजी ने खाना खाया? माँ किधर है? चलो तुम खाना लगाओ, मैं बाबूजी को लेकर आता हूं। बाबूजी मुझसे नाराज हैं क्या? बाबूजी बाबूजी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो
उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। माफी तुम मुझसे मत मांगो। अगर माफी मांगना ही है तो जाओ अपनी मां से माफी मांगो। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम लोगों का रोज रोज का झगड़ा मुझे अच्छा लगता है क्या? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए सौतेली मां लाकर गलती की है तो फिर मुझे माफ कर दो बेटा। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए ही तो किया। हाँ बाबूजी, चलिए आइए। अरे गुड्डी माँ। बाबूजी बैठिए, माँ को लेकर आता हूं। चिंता मत करो बेटी, गया है तो मना कर ले ही आएगा। अरे माफ कर दो ना माँ। अरे मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ, आज से ना मैं किसी से झगड़ा करूंगा और ना किसी का झगड़ा खड़े होकर देखूंगा। चलो बैठो। आप लोग भी सुन लीजिए, मैंने कह दिया आज से ना मैं झगड़ा करूंगा और ना ही देखूंगा। लो ना, चलो खाओ। नहीं करूंगा झगड़ा, अब खाओ। अब पूरा खाना थोड़ी खिलाऊंगा मैं। अच्छा भैया, कल राखी पर मुझे क्या दे रहे हो? बोलो ना भैया। जितने की राखी लाई होगी उसका डबल पैसा ले लेना। तुम भी ना भैया, राखी का क्या कोई मोल होता है जो मैं उसकी कीमत बता दूं? राखी तो अनमोल होती है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते की डोर। अच्छा, तो इस पवित्र रिश्ते की डोर के लिए कुछ मांग कर इसका महत्व क्यों कम कर रही हो? अरे कुछ ना कुछ तो लेकर ही आऊंगा, और क्या लाऊंगा ये तो कल ही पता चलेगा। वैसे भी गुड्डी, तुम्हारे जैसी बहन के लिए तो मेरी जान हाजिर है। नहीं भैया नहीं, दुनिया में ऐसी कौन बहन होगी जो अपने भाई से उसकी जान मांगेगी? बहन तो बस अपने भाई से हिफाजत की मांग करती है, उसके लिए वही सब कुछ है। और भैया, तुम्हारी जान में तो मेरी जान बसती है। भगवान ना करे कि तुम्हारी जान पर कभी कोई संकट आए। क्या भैया, आलू क्या भाव दिए हैं? भाई साहब 20 रुपए किलो, और ये प्याज 40 रुपए किलो। अरे मगरू, मैंने सुना है कि तू कल राजा ठाकुर के खिलाफ गवाही देने वाला है। इस तरह धमकाने से मैं डरने वाला नहीं, मुझे जवाब मैं कल दूंगा। हाँ जरूर दूंगा, और कल ही दूंगा। हाँ मेरे बाबूजी गवाही देंगे। तेरे बाप को समझाया था ना मैंने कि भैया के खिलाफ गवाही मत दे, लेकिन वो साला मेरी बात माना नहीं, जिसका नतीजा तुझे भोगना पड़ेगा। रे तुझे भोगना पड़ेगा, समझी? अरे चाचा जी कहाँ जा रहे हो? चाचा जी ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो लड़की को, छोड़। रुक, अभी शंकर भैया को बुलाकर आता हूँ। आज तेरे ऊपर मुन्ना की मुहर लगेगी।
कौन है बे तू? तेरी तो कौन है तू? रिश्ते में तो मैं तुम लोगों का कुछ नहीं लगता हूँ, लेकिन गलत करने वालों का बाप हूँ मैं। लेके जाओ उसे हॉस्पिटल। वैसे तो वो बचेगा नहीं, लेकिन अगर बच गया तो कह देना किसी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगा। चल बे गधे, हॉस्पिटल में हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? हाँ भैया, डॉक्टर कैसा है मेरा मुन्ना? डॉक्टर मैं पूछ रहा हूँ कैसा है मेरा मुन्ना? ए डॉक्टर, याद रखना डॉक्टर, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो बहुत बुरा होगा, ना तू बचेगा और ना तेरा ये अस्पताल, समझ गया? ठाकुर कुछ करना है तो उसे जाकर करो, जिसने तुम्हारे भाई की हड्डियों के सारे जोड़ खिसका कर रख दिए, मेरे ऊपर गुस्सा करके क्या फायदा? सुनिए भैया जी, उसका नाम शंकर है और भैया वो कासगंज में ही रहता है, अगर आप कहें तो उसे ऊपर पहुंचा दें। हट, कमीना जाहिलों जैसी बात करता है, तू मारेगा उसे? हाँ, जब वो मुन्ना को मार रहा था तब तू कहां गया था? दारू पी रहा था क्या? गधा, जाहिल लोग जाहिल जैसी बातें करते हैं, अब बातें करते हैं उसे ऊपर पहुंचाने की। अरे उस कमीने को तो ऊपर हम पहुंचाएंगे, मैं मारूंगा उसे, मैं मारूंगा, वो भी अपने भाई की आंख के सामने, ताकि उसके कलेजे को ठंडक पहुंचे। उसकी ऐसी दुर्गति करूंगा कि यमराज भी उसको यमलोक में एंट्री नहीं देगा, उसके लात मार के
नीचे फेंक देगा। बस मेरे मुन्ना को ठीक हो जाने दो, मेरे मुन्ना को ठीक हो जाने दो। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ अपनी अदालत लगाने की और जज बनने और फैसला करने की? जब तुमसे भोला ने कहा तब तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था ना? थोड़ा भी तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि राजा ठाकुर कितना खतरनाक आदमी है? जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके भाई को मारा है तब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं, सीधे गर्दन उड़ा देगा तुम्हारी। अरे ऐसे कैसे उड़ा देगा? उड़ा देगा, उसके बाप का राजा उड़ा देगा। आने दो उसे, अभी तो उसके छोटे भाई को कम मारा है, बड़े भाई को तो और मारूंगा मैं। मेरे माँ बाबूजी को मेरे सामने कोई कुछ बोले और मैं चूड़ी पहनकर बैठा रहूं, शिक्षा दे रहे हैं। भैया मेरी और क्या देख रहे हैं, आपने ही सर पे चढ़ा रखा है, अब झेलिए। अरे हर मर्ज की दवा होती है पर स्वभाव के लिए कोई दवा नहीं होती। उस दिन तो कहा कि माँ अब मैं झगड़ा नहीं करूंगा, करूंगा क्या, देखूंगा भी नहीं, लेकिन देखिए फिर झगड़ा करके आ गया। वो भी किससे झगड़ा? राजा ठाकुर के भाई से। आप तो उसे नसीहत देते रहते हैं ना, और आप खुद ही उलझने चले गए। कोई कम नहीं है, न बाप न बेटा। क्या हुआ दीनदयाल जी? रहीम भाई, ऐसा लग रहा है कि सब मिलके मुझे पागल कर देंगे। ये शंकर राजा ठाकुर को चैलेंज दे रहा है और कहता है उसका भी वही हाल करूंगा जो उसके भाई का किया है। खुदा के वास्ते शांत हो जाइए, शांत हो जाइए दीनदयाल जी, बैठिए बैठिए बैठिए। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राजा ठाकुर है बहुत खतरनाक आदमी और वो अपने भाई के मार खाने का बदला जरूर लेगा। वो कभी भी यहाँ आ सकता है और आकर तांडव भी मचा सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप शंकर को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। क्या, कहीं दूर चले जाएं? अरे क्यों चले जाएं? और कहाँ चले जाएं? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, जाना है तो वो जाए, जाए और जाकर कहीं मर जाए, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। भाभी जान, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आप क्या समझ रही हैं कि जब राजा बाबू शंकर को ढूंढने यहाँ पर आएगा और शंकर नहीं मिलेगा तो आप लोगों को छोड़ देगा? अरे वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वैसे भी घर में एक जवान बेटी है, खुदा ना खास्ता उसकी नजर पड़ गई तो क्या होगा पता है? नहीं रहीम भाई, नहीं, हम लोगों की यहां से चले जाने में ही भलाई है, लेकिन लेकिन हम लोग जाएंगे कहां? मुंबई। मुंबई? हाँ मुंबई, मेरे बेटे अनवर के पास। अनवर के पास? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सोचने की जरूरत नहीं है दीनदयाल बाबू, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप कैसे भी शंकर से बात करके उसे समझाइए और उसे समझा कर आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन वो नालायक तैयार होगा तब ना? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, अब चाहे जैसे भी होगा मैं उसे तैयार कर लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सच या झूठ क्यों ना बोलना पड़े। आप सब लोग यहाँ पर भीड़ मत लगाइए, एक आदमी को छोड़ के बाकी सब बाहर जाइए, जाइए जाइए बाहर जाइए। डॉक्टर साहब, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, मेरा भाई जल्दी ही ठीक हो जाएगा ना, कब से चलने फिरने लगेगा ये बताइए ना डॉक्टर साहब। देखिए ठाकुर साहब, ये मामूली चोट नहीं है, इनके शरीर की हड्डियों का एक एक जोड़ खिसक चुका है और सर में भी काफी चोट लगी है, इन्हें ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। हो सकता है ये, हो सकता है, क्या हो सकता है, खुल के बोलिए डॉक्टर साहब, क्या मेरा भाई फिर से चल फिर नहीं सकता हा? या फिर आप कहना चाहते हैं कि मेरा भाई मर जाएगा? अगर ऐसा हुआ डॉक्टर तो इस शहर में ऐसा भूचाल आएगा कि चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा और तुम्हारे हॉस्पिटल में बेड कम पड़ जाएगा।
और इसलिए मेरा भाई ठीक होना चाहिए डॉक्टर, समझा ना? मुंबई से रहीम भाई के बेटे अनवर का फोन आया था। गुड्डी के लिए कोई लड़का देख रखा है उसने। अरे वाह, गुड़िया की शादी मुंबई में, तब तो ये दो रोटी ज्यादा खाएगी आज। बाबूजी, लड़के वालों ने हम लोगों को वहीं बुलाया मिलने के लिए, वो लोग गुड्डी को देखना चाहते हैं। तो ठीक है, उसमें दिक्कत क्या है? आप लोग जाकर लड़के को देख लीजिए, लड़का पसंद आ गया तो लड़की दिखा देंगे। देखो बेटा, बार बार आना जाना आसान नहीं है, दूसरे शहर की बात है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग साथ में चलें और लड़के को भी देख लें। अगर बात पक्की हो गई तो उन्हें गुड्डी को दिखाकर रिश्ता पक्का करके हम लोग सब वापस आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है, जाकर देख लीजिए, मैं बाद में जाकर देख लूंगा। कब? जब रिश्ता तय हो जाएगा तब। हाँ तो बाद में देखने से शादी टूट जाएगी क्या? अरे आप लोगों को पसंद आ जाएगा तो मुझे भी पसंद आ जाएगा। लेकिन गुड्डी कह रही है कि भैया नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। हाँ भैया, तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। पता नहीं वो लोग सब कैसे होंगे कैसे नहीं, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, मैं बोल भी पाऊंगी कि नहीं। ठीक है तो मैं भी चलता हूँ। पक्का चलोगे ना? हाँ पक्का, नहीं तो और क्या। मैं थोड़े ना चाहता हूँ कि बाबूजी के सर का बोझ उनके सर पे ही पड़ा रहे। अरे देखना भाई, गाड़ी वाड़ी से बच के चलो। हाँ भैया। ये गांव नहीं बड़ा शहर है। हाँ हाँ पता है। हाँ चलो आराम संभल कर गुड्डी। आराम से भैया। भैया कितना बड़ा शहर है ना? अरे तो यही तो तुम्हारी शादी होने वाली है। लगता है यही है हाजी अली। देखो गुड़िया, बाप रे बाप, कितना बड़ा पुल है। अब समंदर पे बना है तो बड़ा तो होगा ही। हाँ बाबूजी। आराम से उतरना सब लोग। हाँ हाँ, देखो सारा सामान ले लो। चलो भगवान, देख भगवान, देख रहे हो बेटा रास्ता कैसा है? अरे शंकर तुम? हाँ भाई। चाचा जी प्रणाम। चाची जी प्रणाम। अरे गुड्डी कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। अंदर आओ अंदर आओ। चल रख दो रख दो, यहीं पे रख दो, बैठो बैठो। बड़ा लंबा सफर था बेटा। और सुनाओ यार, गांव मोहल्ले का क्या हालचाल है? सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया है यार। और अपना भोला? अरे वो एकदम मस्त है, बहुत याद करते हैं तुम्हें। अब मैं आप लोगों की खातिर चाय बना देता हूँ, सिर्फ दो मिनट में। बेटा तू गुड़िया को रसोई घर दिखा दे, वो बनाएगी। अरे चाची अभी अभी तो आई है बेचारी, चाय मेरे हाथ की पीने दीजिए इसे। जैसे तेरी मर्जी। हे बेटा, मुझे कमरा बहुत छोटा लग रहा है। मुंबई में इतनी जगह की कीमत जानते हैं, बहुत महंगाई है यहाँ पर। हाँ भैया, रिजिट के लाओ उसको। भैया उसके घर में ताला लटक रहा है, लगता है भाग गया। बचकर जाएगा काम का मीना। इस मोहल्ला के एक एक गली एक एक घर छान मारो, सब जाओ सब। जय इकला जी भैया, टूट के लाओ उसे। ए चल निकल, चल अरे छोड़ो 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 छोड़ो। इन दोनों को मालूम होगा कि शंकर कहाँ है, क्योंकि ये दोनों लोग उस शंकर के पड़ोसी हैं। उठ बे चिरकुट, उठ।
राजा ठाकुर की नजर देख के जो सवाल पढ़ लेता है, राजा ठाकुर की नजर में सही हो जाता है। राजा ठाकुर उसको समझदार समझता है। सही सही बताओ शंकर कहाँ है अभी, नहीं तो आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं मुझे नहीं मालूम राजा भैया, वो शंकर कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम। अरे मैं तो सुबह से खुद ही इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि शंकर के घर में ताला बंद है, आखिर वो लोग गए कहाँ। तुम्हें पता नहीं है आज मैं अपने जिगर के टुकड़े की चिता जला कर आ रहा हूं, जिसे उस शंकर ने मौत के घाट उतार दिया था। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने छोटे भाई की मौत का बदला लिए बिना इस मोहल्ले से चला जाऊं रे कमीने। मैं नहीं जानता था कि शंकर एक नामर्द की औलाद है और ऐसे मुंह छुपाकर मोहल्ले से भाग जाएगा कमीना। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने मुन्ना के ठीक होने का बिल्कुल इंतजार नहीं करता, पहले ही दिन आके ढोल बजा के उस कमीने को मौत के घाट उतार देता। बता कमीने, बता वो शंकर किधर है। मुझे नहीं पता। बताओ शंकर कहाँ है। राजा भैया, अगर हमको मालूम होता भी कि शंकर भैया कहाँ है तो तब भी हम नहीं बताते। बहुत यारा लगता है इनका। बहुत टेस्टी है बेटा। बढ़िया है, मिर्ची खाइए ना। और अनवर कब चलना है यार देखने के लिए उस लड़के को। अरे चाचा जी देखिए ना, मेरे दिमाग से ही उतर गया था। दरअसल सवेरे मैंने फोन किया था तब वो लड़का ऑफिस के किसी काम से अचानक 20-25 दिन के लिए बैंगलोर चला गया है। अच्छा। अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा। होगा क्या, इंतजार करेंगे। 20-25 दिन बीतने में कितना टाइम लगेगा क्या चाचा जी। हाँ बेटा, अब जब आ ही गए हैं तो शादी तय करके ही चलेंगे, इंतजार कर लेते हैं। अरे 20-25 दिन बैठकर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये कोई गांव थोड़ा ही है, शहर है। शंकर तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी पराए आदमी के घर में आए हो। अरे यार वो बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि 20-25 दिन बैठकर करेंगे क्या, फिर आ जाएंगे 20 दिन बाद जब लड़का आएगा तो। और वैसे भी मुझे बैठना ठीक नहीं लगता यार। देखो बेटा, जब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा घूम ही लिया जाए। सुना है यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थल भी हैं, शिरडी है, त्र्यंबकेश्वर है, और यही बगल में गुजरात में द्वारका जी है, क्यों गुड्डी की माँ। और क्या, यही ठीक रहेगा। और शंकर तुम वहां ऑटो ही चलाते थे ना। हाँ। तो यहाँ ऑटो चला लो, एक शिफ्ट तुम चला लेना, एक शिफ्ट मैं चला लूंगा। अरे यार ऐसे कैसे चला लूंगा, यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, यहाँ का ट्रैफिक रूल नहीं पता, भला मैं कैसे चला लूंगा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं एक ही दिन में रास्ता भी दिखा दूंगा और ट्रैफिक के नियम भी समझा दूंगा। ये बांद्रा का मशहूर मार्केट लिंकी रोड है। हीरो लोग यहीं रहते हैं क्या। हाँ, और ये अंधेरी का चार बंगला है, बड़ी मशहूर जगह है ये। आदमी से अधिक तो यहाँ गाड़ियां दिख रही हैं भाई। हाँ सही कहा, इस एरिया में बहुत ट्रैफिक होता है, आज कुछ ट्रैफिक कम है। अच्छा,
और ये है जुहू। ये देखो अमिताभ बच्चन का बंगला। अरे वाह, बहुत बड़ा है। ये एरिया बहुत महंगा है, सारे बड़े बड़े स्टार लोग यही रहते हैं। रुकिए, टाटा जी से बात कीजिए। किसका फोन है बेटा? अब्बा जान का फोन है। रहीम भाई का? हाँ हाँ रहीम भाई। हेलो दीनदयाल बाबू, अरे यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। वो राजा ठाकुर का भाई मुन्ना, उसकी मौत हो गई है। और उसके मरने के बाद मुन्ना ठाकुर ने मोहल्ले में आके आतंक मचा दिया है, जबरदस्त आतंक, सबको मारा पीटा है। और आपको क्या बताऊं दीनदयाल बाबू, उसने किसी को नहीं छोड़ा है। उसने मुझे भी बहुत मारा है, बहुत बेइज्जत किया, और भोला को तो जान से मार दिया है। और आपका पता पूछ रहा था। और तो और दीनदयाल बाबू, राजा ठाकुर शंकर को पूछ रहा था, शंकर के लिए बार बार पूछ रहा था। शंकर कहाँ है? शंकर कहाँ है बताओ। क्या बताऊँ, यहाँ बहुत खराब स्थिति है। जब तक मैं ना बुलाऊँ, शंकर को यहाँ मत भेजिएगा। क्या हुआ? राजा ठाकुर का भाई मर गया, और राजा ठाकुर ने मोहल्ले में जाकर भोला को भी मार दिया। भोला भैया, भोला को जान से मार दिया। हे भगवान। अरे रुक रिपोर्टर, रुक। भैया उधर गई। अरे चलो चलो। अरे ऑटो वाले, देख क्या रहे हो, जल्दी चलो। अरे आओ ना, जल्दी चलो, जूर चलो। ये क्या मैडम, पूछ भी नहीं रही है कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, दंदरा के बैठ गई आप। देखो मेरे पास बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, तुम चल रहे हो कि मैं उतर जाऊं। अरे चलो ना, जल्दी चलो। एक तो पूछ नहीं रही, ऊपर से बक बक कर रही है। चलता हूँ। क्या बात है मैडम, क्या ये सब आपके पीछे पड़े हैं क्या? अबे रुक। अरे नहीं तो मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे, मैंने क्या किया है? तुम ऑटो तेज चलाओ ना, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। अच्छा तो आप भी हमारी तरफ की हैं और मुझे ही फंसाना चाहती हैं, ये बात ठीक नहीं है मैडम। मैं क्यों फंसाऊंगी तुम्हें, तुम थोड़ा सा ऑटो तेज चलाओ। अरे वो तो मैं चला ही रहा हूँ। थोड़ा और तेज चलाओ, जल्दी चलो। मैडम चलिए उतरिए, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। अरे तुम तो बहुत बदतमीज आदमी हो, ऐसी किसी लड़की को अकेले छोड़ के कोई जाता है क्या? अरे तो तुम्हारा इन लोगों से क्या मामला है, तुम समझो ना, मैं क्या जानू। हे भाई ले जाओ, अपना मामला सुलझाओ। क्या रे, आखिर पकड़ ही लिया ना। देखो बात तो ऐसे कर रहा, जैसे नहीं रोकता तब भी पकड़ लेता। खबरदार, जो कोई मेरी तरफ आगे बढ़ा तो ठीक नहीं होगा। मेरे जीते जी मैं ये टेप तुम लोगों के हवाले कभी नहीं करूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरे साथ तो जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। चलिए आप बालकनी में बैठकर फिल्म। अबे लड़की के चमचे रुक। क्यों बे चिरकुट, तुम लोगों को मामला सुलझाने को कहा तो तुम लोग मामला और उलझाने लगे। तुम लोगों को क्या लगा
ये ऑटो वाला मर्द नहीं है, लड़की को अकेला छोड़कर चला गया। हाँ अबे सुन, तू है कौन बे जो इस मामले में पड़ रहा है? चल हट यहां से। रिश्ते में तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूं, लेकिन गलत करने वालों का मुंह तोड़ देता हूं। अबे मुन्ना सबक सिखा इसको। चलो मारो इसको। क्या हो उल्लू, मेरा नाम पूछ रहा था, दोबारा मिला तो अपना नाम भूल जाएगा। यहाँ से चलो। थैंक्स, मैंने तो समझा था कि तुम लेकिन मैंने गलत समझा, तुम तो सचमुच के हीरो हो। हीरो तुम नहीं जानते कि आज तुमने इस टेप को बचाकर शहर की भलाई के लिए कितना बड़ा काम किया है। थैंक्स। क्या नाम है तुम्हारा? शंकर। वाह बहुत ही अच्छा नाम है। और मेरा नाम है सुनीता। तुम्हारा नाम भी बुरा नहीं है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैडम एक बात पूछूं, आपका अंदाज और बोलचाल सुनकर ऐसा लगता है कि आप भी हमारी तरफ की ही हैं। मानो तो मैं बिहार की ही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार के थे और माँ महाराष्ट्र की। अच्छा? दोनों लोगों में प्यार हो गया और शादी हो गई। अब इसमें मानने की क्या बात है, फिर तो अब पक्का बिहारन है, क्योंकि बाबूजी के घर को ही तो अपना घर माना जाता है। वैसे बिहार में कहाँ से हैं? पटना। अरे वाह, पटना का तो मैं भी हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तो महाराष्ट्र की ही हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि मुंबई ही है। अच्छा, ये भी सही है। माँ बाबूजी साथ में रहते हैं या पटना में? नहीं, ये सुख भगवान ने मुझसे छीन लिया है। ओह, समझ गया। वैसे मैं कभी कभी पटना जाती रहती हूँ घर की देखरेख करने के लिए। बहुत अच्छा, आते जाते रहना चाहिए। वैसे तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बहुत संस्कारी आदमी हो तुम, नहीं तो आज के युग में इतना कुछ कौन किसके लिए करता है। तुम कहाँ रहते हो? क्रांति नगर, कांदीवली। अच्छा। हाँ, मेरा एक दोस्त रहता है, हम लोग वहीं ठहरे हैं 714 में। हम लोग मतलब तुम्हारे साथ और भी लोग हैं क्या? हाँ, मेरे बाबूजी, मेरी माँ और मेरी बहन गुड्डी। बहुत अच्छा, चलो फिर कभी मुलाकात होगी। वैसे मैं गणेश बिल्डिंग में ही रहती हूँ, तुम्हारी बस्ती के ठीक सामने। अच्छा, हाँ फिर तो हम पड़ोसी हुए। बस 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 बस, यही रोक दो, मेरा ऑफिस आ गया। लीजिए, रहने दो। अरे रख लो, मेरी तरफ से बख्शीश। क्या मैडम, बिहारी हूँ, भिखारी नहीं। बख्शीश में नहीं, मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। और मेरा मानना है कि पहले कर फिर खा, पहले करो फिर खाओ। तुम तो बहुत ही दिलचस्प आदमी हो, दोस्ती करोगे? हाँ, लेकिन बिना स्वार्थ के। पक्का? पक्का। ओके।
फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलेंगे। कौन हो भाई, किससे मिलना है? जी वो सुनीता जी से, ऑटो में उनका मोबाइल छूट गया है, देना है उन्हें। यार राकेश। हाँ बोल। एक बात समझ में नहीं आ रही है, सुनीता ऑटो में बैठती है, उसके बाद इन्हें अपने ऑफिस का पता देती है, फिर अपना नाम बता देती है, और ऑटो में अपना मोबाइल छोड़कर बड़े आराम से ऑफिस में आ जाती है। ये बात कुछ हजम नहीं होती यार। हाँ राकेश सही बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल फिल्मों की तरह सिचुएशन हो रही है। ये मिस्टर ऑटो वाले कहीं इस फिल्म के हीरो तो नहीं है? ये मिस्टर ऑटो वाला फिल्म का हीरो तो नहीं, लेकिन हाँ काम तो इसने हीरो वाला किया है। बिल्कुल सही कहा। लाओ दो मोबाइल, हम मेम साहब को दे देंगे। सूरज भाई। हाँ मेम साहब नहीं, सुनीता जी। अच्छा अच्छा सुनीता जी, यार लाओ दो मोबाइल। टेप कहाँ है? ये रहा। क्या नाम बताया उस नौजवान का? सर शंकर। शंकर अच्छा नाम है, इस जमाने में भी इस तरह के लोग हैं, ये जानकर बहुत खुशी हो। और सुनीता तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देने लायक है कि तुमने बदमाशों के खिलाफ ऐसा कदम उठाने की कोशिश की। देखो देखो he is trying to be hero, bloody गवार। Hello Mr. Chirkot, I'm not a bloody, not a fool. Mind your language whenever you talk to someone. Yes, I am hero. I am Shankar from Patna, Bihar. क्या लगता है तुमको कि सूट बूट पहन लेने से तुम बुद्धिमान आदमी बन जाओगे? बुद्धिमान वो नहीं होता है जो सूट बूट पहनता है, बुद्धिमान वो होता है जो सादगी में भी विचार ऊंचा रखता है। लेकिन ये बात तुम जैसों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम जैसों को छिछोरा कहता हूं। क्या कहता हूं? छिछोरा। और याद रखना, आइंदा किसी ऑटो वाले से बात करना तो तमीज से, वरना हम सिर्फ ऑटो ही नहीं चलाते हैं, हाथ भी चलाते हैं। जी थैंक यू सर। मैडम कोई ऑटो वाला आया है, आपको ढूंढ रहा है, आपका मोबाइल शायद ऑटो में छूट गया था, वही देने आया है, सब बाहर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ओह माय गॉड सर, ये शंकर ही होगा, मैं भी आती हूँ। ओके चलो मैं भी तो मिलूं। शंकर शंकर, अरे क्या हुआ? ले लीजिए आपका मोबाइल छूट गया था, शहर के सारे बदतमीजों को नौकरी आपके ऑफिस में मिली हुई है। लो भाई साहब पानी पी लो। आप भी इस शहर में गांव वाला संस्कार ढूंढ रहे हैं, ये तो मिलना मुश्किल है भाई साहब, मुश्किल है। बिना मांगे पानी पिला रहे हो, अपने तरफ के लगते हो। जी भाई साहब। इसे कहते हैं संस्कार, और ये जिसके पास है हमेशा रहेगा, और जिसके पास नहीं है कभी नहीं रहेगा, चाहे वो गांव में रहे या शहर में। वाह बहुत ही बढ़िया चाय। भैया चाय ठंडी हो जाएगी, जल्दी आओ चाय पी लो। क्यों चिल्ला रही हो, अभी नहा रहा हूं ना। भैया मैं देती हूँ ना। ठीक है। जी बोलिए, अब क्या ये शंकर जी का घर है? जी नहीं, ये अनवर जी का घर है, शंकर यहाँ रहते हैं। आइए अंदर चलिए। जी नमस्ते। नमस्ते बैठिए। जी आपका परिचय? मैं सामने वाले बिल्डिंग में ही रहती हूँ, मैं भी आप लोगों के शहर से ही हूँ, पटना। वो बातचीत से पता चल रहा है। मैं शंकर की दोस्त हूँ। दोस्त? आप
शंकर की बहन है ना? जी, और ये शंकर के मतलब हम लोगों के भाई, और ये हमारे बाबूजी, और ये हमारी माँ है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटी। भैया और कितनी देर, कोई मिलने आया है? क्या बुढ़िया, चैन से नहाने भी नहीं देती हो, कौन आ गया? आपकी नौकरी करती हैं? जी, अखबार में। अच्छा, तो आप रिपोर्टर हैं? जी। ये यहाँ कहाँ से आ गए? माँ बाबूजी क्या सोचेंगे कि 10 दिन ही आए हुआ मुंबई में और लड़की इसको खोजते खोजते घर तक आ गई। हे बजरंगबली, रक्षा करना मेरी। मैडम, आप यहाँ कैसे आई हैं? मेरे घर का पता किसने बताया? अरे, तुमने ही तो बताया था। मैंने? हाँ। हाँ, हो सकता है मैंने ही बताया होगा। कहीं जाना है क्या? हाँ, ऑफिस। अच्छा अच्छा, ऑफिस जाना है। चलो। हाँ, चलिए चलिए। अच्छा, चलती हूँ, आओ। चलिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए बैठिए मैम साहब। क्या बात है मैम साहब, आज मूड बहुत खराब लग रहा है, कोई बात हो गई क्या? सुनो, मुझे मैम साहब बुलाना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऑटो में बैठना छोड़ दूंगी। अरे, अब मैम को मैम साहब नहीं बुलाएंगे तो फिर और क्या बुलाएंगे? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें मेरा नाम पता है ना? जी। तो आज से मेरा नाम लेके बुलाया करो। ठीक है, आज से मैं सिर्फ आपका नाम लेकर बुलाऊंगा, सुनीता जी। फिर सुनीता जी? अरे, तो अब क्या हो गया? सुनीता, मेरा नाम सुनीता है तो सिर्फ सुनीता ही बुलाया करो। अच्छा ठीक है, आज से सिर्फ सुनीता जी। फिर वही बात। सुनीता कहूँ मैं? हाँ, अब ठीक है। अच्छा सुनीता, मैंने टेप चेक कर लिया, टोटली ब्लैंक है। ब्लैंक? ये टेप ब्लैंक है? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने तो बराबर शूटिंग की थी। अगर ये ब्लैंक है तो ओरिजिनल कहाँ गया? बिहारी अकल, मुंबई का पावर। गीता में सही लिखा हुआ है, जो होता है अच्छा होता है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ए शंभू, अरे भाई, इसको कुछ इनाम उनाम दिया कि नहीं? है, अब देखो ना कितनी मेहनत से टेप उठाकर लाया है। भैया, जब आप हैं तो मैं अपने हाथ से इनाम दूं अच्छा नहीं लगेगा। हैं? आप ही दे दीजिए ना। एकदम सही बात। कितने दिन से उस ऑफिस में काम कर रहे हो तुम? जी, 5 साल से। 5 साल, वेरी गुड। मतलब 5 साल की वफादारी है। हाँ, सबूत उस बस्ती का क्या हुआ? सब कागज वागज इकट्ठा हुआ है? नहीं भैया, चिंता मत कीजिए, कल पूरा काम हो जाएगा। एक काम करो, कागज इकट्ठा करने के बाद सबसे अंगूठा लगवा लो, है ना? हाँ भैया। हाँ, हाँ। जाओ, जाकर देखो। अच्छा। चल यहां साइन कर। ए, चल चल आगे बढ़। ए, साइन कर, साइन कर।
ये हिट। चल निकल निकल। ए करना। ए बुढ़िया साइन कर। रुक जा माँ, पहले पढ़ तो लेने दे। ये क्या मजाक है, दो खोली के बदले एक फ्लैट। तो और क्या, पूरी बिल्डिंग तुम्हारे नाम करवा दे मैडम। ये गलत है माँ, इस पर साइन मत करना। ये लोग हमें दो खोली के बदले एक फ्लैट देने की बात कर रहे हैं। क्या? अरे बुढ़िया, ये तू तो वैसे भी कब्र में पैर लटका कर बैठी है, तुझे घर की क्या जरूरत। तेरी तो ये एक बेटी ही है ना, इसके लिए क्या एक फ्लैट कम है क्या? ए ज्यादा भाषण मत दे, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है। गुड, वेरी गुड। ए भूरा, यहाँ क्या लफड़ा चल रहा है, और ये लड़की क्यों भड़क रही है? भैया जी, इसको तो दो खोली के बदले दो दो फ्लैट चाहिए। गुड, वेरी गुड। दो क्यों चाहिए, एक में पति के साथ रहेगी और दूसरे में अपने अपने यार के साथ। चल आज मैं तेरा यार बन जाता हूँ। तमीज से बात कर, अगर इसे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है तो ये साइन क्यों करेगी? साइन जरूर करेगी, और अगर साइन नहीं किया तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हट! और ऐसा खामियाजा कि भुगतने वाले से ज्यादा देखने वाले को पता चलेगा। क्यों बे, तू है कौन? एक आम आदमी, एक आम आदमी की तरह जुर्म को देख और सहन करने की आदत डाल ले, नहीं तो हाथ और पैर काट कर किसी चौराहे पर बिठा दूंगा, और कहीं कटोरा लेकर भीख मांगता नजर आएगा। समझ गया ना? अरे मैं तो समझ गया हूं, लेकिन तुम लोग आखिर कब समझोगे कि जो कुछ तुम लोग कर रहे हो उसका खामियाजा मौत से भुगतना पड़ेगा, सिर्फ मौत से। इसको तो मौत की। गुड, वेरी गुड। ए आम आदमी, उठ 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 कमीने, देख देख आम आदमी कैसे मार खाता। छोड़ दो इसको, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, छोड़ दो इसको। गुड, छोड़ दो भैया इसको, छोड़ दो। वेरी गुड। आम आदमी, ये चेतावनी है, याद रखना, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो फाड़ के रख दूंगा। चलो सब ठीक है भाई। रुको रुको, मेरा घर आ गया। ये लीजिए। सुबह थोड़ा ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया था, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। तुम्हारा बैलेंस तो ठीक है ना? हाँ हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बैलेंस हिल गया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय। अरे अरे, संभालो अपने आप को। अच्छा चलती हूँ। हाँ।
पूरा ही हिला दिया। क्या भाई लोग? अरे ये चोट कैसे लग गई? ऐसे ही गिर गया था। ये गिरने की चोट है या कोई और बात है? झूठ बोल रहे हो मुझसे? नहीं शंकर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे चाय पियो ना। ए भाई, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। चाय और लाओ। चाय नहीं पीनी मुझे। बताओ चोट कैसे लगी? अरे शंकर भाई, मैं बताता हूँ कि इसे चोट कैसे लगी। भाई जी का भाई शंभू आया था बस्ती में, उसी ने मारा है इसे। कहाँ मिलेगा? वही मिलेंगे जहाँ रोज बैठ के दारू पीते अपने अड्डे में, और कहाँ। चलो सर। शंकर, शंकर सुनो मेरी बात। उन लोगों से दुश्मनी लेना खतरे से खाली नहीं है, और वैसे भी कल तो होली है ना, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी चोट का बदला लिए बिना होली नहीं खेलूंगा। चलो। ए, कौन है बे? वही जो रिश्ते में तुम्हारा कुछ नहीं लगता लेकिन गलत करने वाले का मुंह तोड़ देता है। अच्छा, तो तू है? हाँ, शंकर। गुड, वेरी गुड। लगता है उस दिन तुम्हारा पेट नहीं भरा था, इसीलिए आज भूखे नजर आ रहे हो। आज तो तुम्हें ऐसा खिलाऊंगा कि पचेगा ही नहीं। अबे सुन, तेरा शंकर नाम क्या हो गया? अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? आज मैं तुझसे अपना पुराना हिसाब भी चुकता कर लूंगा, और आज जो तेरी ठुकाई होगी वो अलग। तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सात जन्म तक बिना बाप के ही पैदा होगा। ए बुरा, पकड़ साले को। अबे नमक हरामो, अरे कौन हो साला जो भाई जी के भाई की सल्तनत पर सेंध मारने की कोशिश की है? कौन है वो पता लगाओ। भाई जी, बहुत मारा उसने, एकदम कसाई है वो भाई। हाँ भैया, उस कमीने का कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा भैया। होगा बेटा, उसका उपाय होगा, तुम चिंता मत करो, होगा उसका उपाय। खून में इतना जहर भर दूंगा कि उसका खून लाल की जगह नीला बहने लगेगा, होगा उसका उपाय। बोरा जी। भाई जी, हाँ
पास थोड़ा देखूं मैं भी कि कौन है वो खिलाड़ी जो बिहारी बुद्धि और मुंबई के पावर से खेलने की कोशिश कर रहा है। कौन है लोग? भाई जी ये शंकर के माँ बाप है। साला तो ये है वो सांप जिसने सपोला को पैदा किया है। ऐसा बेटा पैदा करने की गलती की सजा तो भुगतना ही पड़ेगा बूढ़े, समझो? छोड़ दो भाई जी, ये शंकर की इकलौती बहन है। ए बुढ़े देख देख, इतनी प्यारी बहन पर भी तुम्हारे बेटे को तरस नहीं आया। भाई जी के भाई के ऊपर हाथ उठाने के बदले भाई जी उसकी बहन के साथ क्या क्या नहीं कर सकता है। शंभो, छोड़ मेरी बेटी को। ये ए बुढ़े, भाई जी का न्याय हमेशा सही होता है। आज तो सिर्फ चीर हरण हुआ है तुम्हारी बेटी का, पर इसके बाद भी तुम्हारे बेटे ने सबक नहीं लिया तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरी बस्ती के सामने फिल्म दिखाऊंगा मैं, फिल्म। और भाई जी की जुबान काली है, जो बोल दिया हो के रहता है। भाई जी बिहारी बुद्धि मुंबईया पावर। जिस क्रोध की आग की लपट से जान बचाकर पटना से हम लोग यहाँ आ गए, उसी आग की लपट से आज शरीर झुलस गया। अरे जिंदगी भर समझाती रह गई कि क्रोध की आग इंसान को निगल जाती है, उस पे काबू रखना चाहिए, लेकिन कुछ समझ में आए तब ना। आज तक इसकी समझ में ये नहीं आया कि ये क्या खो रहा है और क्या पा रहा है। अरे इसे क्या पता कि हम लोग पटना से भाग कर इसकी क्रोध की वजह से यहाँ आए हैं। इसके क्रोध और मारपीट का परिणाम भुगतता वो सीधा साधा भोला और बलि बलि चढ़ गया इसकी दोस्ती पर। और हम लोगों को क्या मिला यहाँ आकर? बेइज्जती। आज मेरी बेटी के शरीर से कपड़ा उतर गया। उसका क्या कसूर था? क्या कसूर था उसका? इतना ही ना कि वो इसकी बहन बनकर पैदा हुई। पता नहीं इसके दिमाग में क्या बैठ गया, कितना भी समझा बात दिमाग में घुसती नहीं। इसके लिए ना कोई पुलिस थाना है और ना कोई कोर्ट कचहरी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है माँ कि मैं गलत हूँ या इस जमाने के लोग गलत हैं। तुम लोग पटना से यहाँ भाग कर आए हो, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी तुमने। क्या मिला, क्या मिला यहाँ भाग कर? अब कहाँ जाओगे तुम लोग भाग कर यहाँ से? हाँ, और मेरी गलती क्या है? मेरी गलती यही है कि मैं किसी को गलत नहीं करने देता हूँ, या मेरी गलती यह है कि मैं किसी को गलत करने से रोकता हूँ? अरे अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता,
कोई भी अकेले इस सारे जमाने को नहीं बदल सकता। इस बिगड़े जमाने को कोई नहीं बदल सकता। बदल सकता है माँ, बदलने वाला चाहिए। हाथ पर हाथ रखने से ये जमाना नहीं बदलेगा, जमाने को बदलने वाला चाहिए। विरोध करने वाले को रोका नहीं गया तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी माँ। अगर उसे किसी का डर नहीं है तो मुझे भी किसी का डर नहीं है। अगर वो हमारी बस्ती में घुस सकते हैं तो मैं भी उनके घर में घुस कर उन्हें मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या यह मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या यह मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या यह मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112-356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-209-01701 पर। शंकर नाम है मेरा, चाहता तो अभी के अभी तुम्हारे दिमाग में कील ठोक देता और तुम्हारे आदमियों के साथ तुम्हारी कब्र यहीं बना देता। मुझसे टकराने का नतीजा तुम्हारे भाई को पता है। गलती से कहीं तू टकरा गया तो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार तो खुद होगा। ए रिक्शा ड्राइवर, ए चिरकुट, चुप नहीं तो मार कर काट दूंगा। बिहारी बुद्धि बिहारी बुद्धि, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। सुना तो था, देख भी लिया। दिले रह तू, नहीं तो भाई जी जैसे जहरीले नाक के फन में हाथ डालने की कोशिश नहीं करता। जो नाक के बिल में हाथ डालता है उसे नाक का फन भी मरोड़ना आता है। अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो तुम्हारी गर्दन भी मरोड़ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। आइंदा मेरे परिवार की परछाई भी छूने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और क्या डायलॉग मार कर आया था तू? टेलर दिखाएगा। जिस दिन मैंने तुम्हें टेलर दिखा दिया ना, डर के मारे मुंह दोगे तुम। मजा आएगा ऐसे खिलाड़ी के साथ खेलने में, बहुत मजा आएगा। सुनने में आया है कि कल भाई जी अपने आदमियों के साथ यहाँ इस बस्ती में आया था। आप लोग मुझे बताइए कि सच्चाई क्या है। सर, मैंने आपको कहा था ना कि ये खबर झूठी है। यहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ होता तब ना बोलता। देखिए सर, देखिए सबके सब बुद्ध बन के खड़े यहाँ पर। आइए सर, चलते हैं सर। ठहरो चौबे, मुझे जिसने खबर दी है वो सही दी है। ये शंकर कौन है? सुना है कि वो लड़की शंकर की। मैं हूँ शंकर का पिता। आपको जो भी खबर मिली है वो गलत मिली है। देखिए सर, अगर आप लोग सच नहीं बताएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, आप बेकार की कोशिश कर रहे हैं। जिस लड़की के बारे में आपको न्यूज मिली थी, जब उसका परिवार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे सर? चलते हैं सर। चौबे, अपने हाथ में रहो और सुधर जाओ, और भाई जी की चमचागिरी करना बंद कर दो। देखिए, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। मैंने कहा ना, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, पूरी बस्ती शांत है। आपको जो भी खबर मिली है वो गलत है। गलत क्या है और सही क्या है ये मुझे मालूम नहीं, पर सच तो ये है कि आप लोगों की चुप्पी के कारण भाई जी जैसे लोगों को ताकत मिलती है। चलो सर, आप बेकार की कोशिश कर रहे हैं। चलो बेटी।
मैंने आपको कहा था ना यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। आइए सर चलते सर। चलो क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि अपने अंदर उठते तूफान को कैसे शांत करूं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूं, लेकिन ऐसे लोगों को ना पुलिस का डर होता है ना ही कानून का। लेकिन मुझे तुम्हारे माँ की ये बात समझ में नहीं आई कि वो सच बोलने से क्यों इनकार कर रही है, जबकि वो खुद ही कह रही थी कि पुलिस से सहायता लेनी चाहिए। मुझे तो तुम्हारी माँ का स्वभाव समझ में ही नहीं आता। देखो वो मेरी माँ है और मुझे अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं है। तुम माँ बेटे के बीच में पड़ने की कोशिश मत करो। नाराज हो गए हो? मैं तुम्हारा दिल बिल्कुल दुखाना नहीं चाहती थी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। तुम देखना शंकर, इस बार मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। टेप वाले मामले में जो भी कुछ हुआ उसे जाने दो, लेकिन अब जो होगा पूरा शहर देखेगा। जो कुछ भी हुआ रहीम भाई वो बहुत बुरा हुआ। मेरे दिल में भोला के मरने का गम ऐसा घर कर गया है कि वो मेरे जीते जी तो कभी नहीं जाएगा। बात तो सही है दीनदयाल बाबू, लेकिन ये भी होने का ही एक हिस्सा हो सकता है। अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी क्या चली है। बात वहीं पर खत्म हो गई होती तो कोई बात नहीं थी। जिस डर से भागकर हम लोग मुंबई आ गए वही डर मुझे यहाँ भी सता रहा है। यही सब सुनकर तो मैं भी यहाँ आया हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से शंकर को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। कोई फायदा नहीं रहीम भाई, कोई फायदा नहीं है। इसके पहले कि कोई नया तूफान आ जाए मुझे लगता है कि हम लोगों को मुंबई भी छोड़कर जाना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा चाचा जी, बस आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। हाँ, अब तुम ही समझाओ उसको। तुम तो उसके दोस्त हो ना अनवर, हाँ? तुम उसे समझाओगे ना तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं काटेगा। तुम समझा कर देखो बेटा। अब्बा जान मैं आज ही शंकर से बात करूंगा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये सही कह रहा है। शंभू 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 देख देख इस अखबार में क्या लिखा है मेरे बारे में, देख देख किसकी मजाले सब लिखेंगी। भैया ये सब सुनीता की करतूत है, वो दो टके की रिपोर्टर। बेटा क्या हुआ अनवर को? ऑपरेशन चल रहा है बाबूजी। माँ, अनवर भैया, ऑपरेशन हो रहा है। ऐसा है अनवर, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, खून बहुत निकल चुका है, ऑपरेशन हो चुका है। मेरा बेटा बच जाएगा ना? 12 घंटे के बाद ही कुछ बता सकते हैं। या अल्लाह। बैठ, घबराइए मत चाचा, बैठिए बैठिए। We'll be right back.
क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर साहब? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, सब कुछ ठीक है ना? I'm sorry. He's no more. हम उसे बचा नहीं पाए. मुझे मारता है मुझे मारेगा शंकर, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। शंभू, हे ए शंभू, अरे उठ ना, ए उठ। देख देख, तुमने आज तक बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं किया, बिना मुझसे पूछे कहीं नहीं गया तू। ये तू फिर बिना मुझसे पूछे दुनिया छोड़ के कैसे जा सकता है? इतना छोटा था जब मैं बेटे के जैसे पाला पोसा, अपने जान से ज्यादा मैंने इसके जान की हिफाजत की, इसके इस बेटे को तो जरूरत थी कि बाप की आरती को कांधा देने की। इसमें तू अपना फर्ज कैसे भूल गया रे? मैं सोचा कि तेरे बिना मेरा क्या होगा बेटा। हाँ
भाई जी। भाई जी। तुम्हारी अर्थी को जिसने बोझ बनाकर मेरे कंधे पर डाला है कि जिंदगी को मैं उसके लिए बोझ बना दूंगा। शंकर इसे पंगा लेगा। उतार इसको। चौबे, तुम्हारी दलाली के डंडे में वो आग नहीं जो शंकर जैसे लोहे को पिघला सके। तू मुझे मारते मारते मर जाएगा लेकिन मेरी खुददारी नहीं मरेगी। अरे मैंने तो तेरे भाई जी के हलक में हाथ डाला है जिसके तू तलवे चाटता है, और मेरी खुददारी तेरी वफादारी पर हमेशा भारी पड़ेगी। तेरे जैसे खुददारों को मैंने कितनी बार खाल उधेड़ कर उसमें भूसा भरा है। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि उसमें भूसा भी नहीं भरा जाएगा। तेरी खाल तो गद्दे और तकिए में रुई भरने के काम में आएगी, समझा? चल। बेटी, हाँ? तुम तो रिपोर्टर हो, तुम्हारी किसी ना किसी वकील से तो जरूर पहचान होगी। थोड़ी बात करोगी तो शंकर की जमानत का इंतजाम हो सकता है। हाँ अंकल, मेरी एक सहेली है शीतल, उसका हस्बैंड हाई कोर्ट में वकील है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैंने सुबह ही बात की थी लेकिन वो दिल्ली गया है। आज रात को वो आ जाएगा तो फिर कल सवेरे ही थाना चलकर हम लोग जमानत ले लेंगे। अरे क्या बताऊं सत्य प्रकाश, बहुत जरूरी काम था भाई जी का, इसीलिए बिजी था। सर, हाँ? मैं एडवोकेट नरेश हूँ। अरे रख फोन, मैं क्या करूँ? शंकर की जमानत देनी है। है? शंकर की जमानत देनी है। अच्छा, ये रहे शंकर की जमानत के कागजात। जमानत है? जी सर। जा भाई, शंकर को बुला के ला। क्या नाम बताया आपने अपना? एडवोकेट नरेश। छोड़ दो मेरी बेटी को। भाई, छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ दो, मत करो उसके साथ ऐसे। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आँख खोल के सारी बस्ती
आज एक घिनौना नजारा देखेगी। अरे बचाओ कोई मेरी बेटी को। शंकर मार डंडा उसको। मारो और मारो। खत्म कर दो इसे। मार इसको, छोड़ना मत। मार इसे। कहाँ तक भागेगा तू? क्या बिहार, क्या मुंबई, राजा ठाकुर की ठाकुराई हर जगह चलती है। दुनिया छोटी पड़ जाएगी राजा ठाकुर की गैंग से बचने में। बिहार से भागा लेकिन मुंबई में भाग गया। कि राजा ठाकुर यहाँ कैसे है? भाई जी बिहारी बुद्धि और मुंबई पावर। नहीं। क्या लगा तुझे, कोई चमत्कार हो गया? कोई भगवान के दूत ने आके तेरी जमानत करवा दी है? मिलोगे उससे? मिलाऊ? ए आ रहे इधर, ये देख देख, ये है दूत और मैं हूँ भगवान जिसने तेरी जमानत करवाई थी। मैं ही यम हूँ और मैं ही यमराज, मैं तेरे लिए यमराज हूँ रे हराम खो। पुलिस के लॉकअप और जेल में इतनी आसान सजा, मेरे भाई को मारो इतनी जल्दी नहीं मारूंगा मैं तुझे, लेकिन मारने से पहले तेरी आंखों के सामने इतना घिनौना नजारा दिखाऊंगा कि साले तू शर्म के मारे भी नहीं मर पाएगा, क्योंकि वो नजारा देख के दायरे से दूर भागेगा रे। ले आओ रे लौंडिया को। जी भाई जी। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी गुड़िया को आग लगा रहे हैं। गुड़िया को आग से डर लगता है बाबूजी। मेरी गुड़िया को मत जलाइए बाबूजी।
शंकर बाबूजी, शंकर नहीं बाबूजी, अब उस दुनिया में नहीं। शंकर बेटा, क्रियाकरण करने दे बेटा। देखो शंकर बेटा, हम लोग जो भी सोच रहे थे ना, तुम शायद ठीक थे बेटा। आज इस चिता के शांत होने से पहले जाओ, उस रावण की लंका को जलाकर राख कर दो। लो बेटा, बेटा ये सच है कि मैं तेरी सौतेली माँ। और ये बात भी सच है कि तेरे शरीर में मेरा खून नहीं है और ना ही मेरे दूध का असर है, लेकिन ये जो चिता जल रही है ना, वो तेरे बहन की है। जो खून तेरे शरीर में भी दौड़ रहा है बेटा, तुझे उस खून की कसम है, तेरी माँ तुझसे कह रही है, तुझे उस खून का वास्ता दे रही है, तू उस राक्षस का अंत करके ही आना, या फिर अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। मैं समझूंगी कि बेटी की चिता के साथ साथ बेटे की चिता भी जला दी। कमीने, सुना था कि आदमी अपनी मौत से कितना भी भागे, पर मौत का पंजा उसे अपने शिकंजे में कसी लेता है। कमीने ठाकुर, बहुत ढीठ है, इतना कुछ होने के बाद भी
होश नहीं आया। आसान मौत नहीं चाहिए, इसे तो अपनी बहन से भी घिनौनी मौत चाहिए कि मरने के बाद भी इसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिले। तुझे मौत मिलेगी और मौत मैं दूंगा। मैं भाई जी को किसने मारा? मैंने मारा है, 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 मैंने मारा है। चुप। क्या किसी ने भी नहीं देखा कि इसको किसने मारा है? मैं पूछ रहा हूं कि किसने मारा? क्या हुआ चौबे? सर देखिए ना सर, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं कि भाई जी को किसने मारा, कोई भी सही कातिल का नाम नहीं बता रहा है। चुप। कल इसकी बहन का बलात्कार भाई जी ने किया था, तब तो कहा था। तुम जैसे बेईमान पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और FIR में लिख दो कि किसी ने भी खून होते हुए नहीं देखा। अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। चलो चलो।
भाई कुछ भी कहो, अपना शहर अपना ही होता है, चाहे कहीं भी रहो। सच कह रहे हैं। अरे कहाँ जा रही है? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अरे इधर तो आ जाओ भाई। ओहो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। छोड़ नहीं छोड़ इधर आ जाओ, छोड़। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे कैसे कर रहा है? भाई तो मैं जाने दो बहू। जिस जंजीर से मैंने अपने बेटे को मुक्त कर दिया, उस जंजीर में वापस मत बांधो। जाने दे इसे।